वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं इस वाले फोटो को किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करना है और पास फोटो में कैसे कन्वर्ट करना है और इसको फॉर्मल ड्रेस में कैसे एडिट करना है। तो आज ये सभी स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाली, कंप्लीट प्रोसेस। तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही इजी मेथड में बताने वाली इस वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स दिखाने वाली हूँ कैसे आप बैकग्राउंड रिमूव करेंगे विदाउट एडोबी फोटोशॉप। उसके बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आप एडोबी फोटोशॉप में आप अपना फॉर्मल ड्रेस एडिट करके पास फोटो साइज क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी आपको शॉर्ट ट्रिक्स, वो है आपको ये बैकग्राउंड आप कैसे रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहां पे टाइप कर देना है अपना रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज। तो आपको इसको सर्च कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज प्री रिमूव बीजी, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ओके आएगा और रिमूव इमेज बैकग्राउंड। तो यहाँ पे देखिए ये एक अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आप जहाँ पे आपका फोटो है इस फोटो को वहाँ पे ड्रैग कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा फोटो यहाँ पे चला आया बहुत ही, और ये देखिए चुटकी बजाते मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। कोई भी झमेला नहीं गाइस, इतना इजी तरीका से मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ कि किस तरह से आप रिमूव करेंगे। और इसमें आप अपना बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे एडिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे जो है वो ऐसा भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लिक करके यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको प्लेन बैकग्राउंड चाहिए तो आपको ये जो कलर वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जो कलर ऐड करना है, जैसे व्हाइट बैकग्राउंड या पर्पल बैकग्राउंड या ब्लू बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही इजी। जस्ट एक क्लिक में आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे कलर रखने वाली हूँ, यहाँ पे मैं व्हाइट को ही रखती हूँ, व्हाइट को सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक बार और शेयर इमेज और डाउनलोड दो ऑप्शन है, तो आपको डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देना है। बहुत ही सिंपल है गाइस। तो यहाँ पे देखिए मेरा पासपोर्ट डाउनलोड हो चुका है, पासपोर्ट फोटो ये देखिए एक सेकेंड में मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, बैकग्राउंड मैंने ऐड भी कर लिया। अब आपको कहाँ पे जाना है, एडोबी फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपको फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो रिमूव किया था फोटो उस फोटो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा फोटो है, तो इस वाले फोटो को आपको फॉर्मल ड्रेस में इसको ऐड करना है। यहाँ पे फॉर्मल ड्रेस, तो यहाँ पे इसको थोड़ा मैं इसका कलर बैलेंस कर लेती हूँ। उसके बाद इमेज में जाके एडजस्ट में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्टिव कलर में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कलर्स में येलो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने हिसाब से इसको आगे पीछे अपना कलर बैलेंस कर लेना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर लेती हूँ, ये देखिए मेरा बैलेंस फ्रेश हो चुका है। उसके बाद आपको कंट्रोल एल को प्रेस करना है। उसके बाद थोड़ा और बैलेंस कर लेना है, कलर को एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए मेरा ज्यादा व्हाइट भी नहीं करना है तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, बहुत ही ज्यादा एडिट किया हुआ दिखेगा। तो ये देखिए मैं इतना ही रखूंगी, मेरा काम खत्म हो गया। अब आपका ये बाल देखिए बहुत थोड़ा वो लाइट से थोड़ा चमकदार दिख रहा है, तो इसको कैसे हटाना है, तो आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बर्न टूल सेलेक्ट करना है। देखिए ये बीच वाला जो है बर्न टूल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये कलर राइट क्लिक करना है, ये डायमीटर को थोड़ा अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा कर लेना है ताकि मैं जल्दी से यहाँ पे कलर कर सकूँ। तो ये देखिए आपका राइट क्लिक करेंगे, जैसे जहां जहां पे बालों पर राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए कलर यहाँ पे डार्क होता जाएगा। ये देखिए ये मेरा बाल ब्लैक हो गया, ये देखिए कितना इजी तरीके से मेरा ये बाल कलर ब्लैक हो गया। जहां जहां व्हाइट पोर्शन था सब ये देखिए कितना अच्छे तरह से कलर हो गया। ये देखिए कितना फ्रेश लग रहा है। अब आपको थोड़ा सा फेस में आपको ब्लरनेस देना है, तो यहाँ पे ब्लर पर क्लिक करके ब्लर टूल पर सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे देखिए फेस में थोड़ा सा ब्लर कर देना है इस तरह। और ये मैं आपको जूम कर देती हूँ, ये देखिए अच्छी तरह से ब्लर हो रहा है, जो आपका रिंकल्स वगैरह जो दिखता है यहाँ पे डार्क स्पॉट वगैरह सब ये गायब हो जाएगा। ये देखिए चुटकियों में
कितना अच्छी तरह से कितना अच्छा है, इसको मैं जूम आउट कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे अपना ड्रेस सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था। तो ये देखिए मेरा फोटो यहाँ पे सब। अब ये आपका ये फोटो यहाँ पे ड्रैग नहीं होगा, मैंने पहले जब पीएनजी डाउनलोड किया था, मगर ये यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हो तो ये फोटो ड्रैग होके फोटो पीएनजी भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो आपको पहले स्क्रीनशॉट कर लेना है इसको, आप इस फोटो को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। शॉर्टकट है स्क्रीनशॉट का, शिफ्ट विंडोज एस क्लिक करिएगा तो ये देखिए आपका स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको जितना एरिया आपको स्क्रीनशॉट करना है उतना एरिया सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद माउस को छोड़ देना है। माउस को छोड़ देने के बाद ये देखिए इसको अब कट कर देना है। अब वो मेरा फाइल कहाँ पे सेव हुआ, तो यहाँ पे देखिए आपका पिक्चर्स में वो जाके वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे पिक्चर्स में मेरा चला गया है। तो ये देखिए मेरा स्क्रीनशॉट ये पीएनजी में। तो अब इसको ओपन कर देती हूँ मैं। ओपन करने के बाद अब ये आपका ड्रैग हो जाएगा इजीली, इसका पीएनजी में कन्वर्ट इजीली हो जाएगा। तो इसको पीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है राइट क्लिक, उसके बाद मैजिक टूल्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए मेरा एक सेकेंड में बैकग्राउंड इसका पीएनजी हो गया। तो इसके बाद आपको इस वाले ड्रैग टूल पर क्लिक करना है, मूव टूल पर आपको इसको मूव कर सकते हैं। तो आपको मूव टूल को सेलेक्ट ऑलरेडी है, अब आपको इस फोटो को यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरा फोटो यहाँ पे ड्रैग हो गया। जॉइन होने के बाद आपको कंट्रोल की प्रेस करके आपको इसको साइज में कर लेना है। उसके बाद अब आपको पासफोटो में क्रिएट करना है ना, तो इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन पर क्लिक कर देना है, न्यू पर क्लिक कर देना है, उसके बाद कस्टम में जाके 4x6 पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो ये देखिए ये मेरा फोटो साइज क्रिएट हो गया है। उसके बाद आप इसको रोटेट कर देना, रोटेट करने के लिए यहाँ पे इमेज में जाके रोटेट पर क्लिक करने के बाद 90 डिग्री पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब इस फोटो को यहाँ पे ड्रैग करना है, तो आपको यहाँ मूव टूल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अपने फोटो पर राइट क्लिक कर देना है, उसके बाद मूव करना है, उसके बाद आपको ये दोनों फोटो को मूव करना है, नहीं तो ये मूव होता रहेगा, आप यहाँ पे सेलेक्ट करके एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। मूव टूल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको इस वाले फोटो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट क्लिक कर देना है, उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। तो आपका ये देखिए फोटो ज्वाइंट हो गया, मर्ज हो गया ये फोटो, ये देखिए। अब आपको इसको मूव कर सकते हैं, तो आपको मूव टूल को सेलेक्ट ऑलरेडी है, अब आपको इस फोटो को यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरा फोटो यहाँ पे ड्रैग हो गया ज्वाइंट होने के बाद, आपको कंट्रोल की प्रेस करके आपको इसको साइज में कर लेना है। पास फोटो का साइज, उसके बाद एंटर कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रोक डालना है, तो यहाँ पे एडिट पर जाना है, उसके बाद स्ट्रोक पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको 1-2 कितना बॉर्डर रखना है, 1-2-3 कितना बॉर्डर रखना है, मैं 2 रखूँगी, उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा साइज बन चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद अल्ट प्रेस करना है, राइट क्लिक करके अल्ट प्रेस करना है, प्रेस करते ही राइट मूव माउस को ड्रैग करना है यहाँ साइड में और प्रेस करते ही रहना है, फिर से यहाँ पे माउस को राइट क्लिक करके ड्रैग करना है, फिर से और प्रेस करके माउस को ड्रैग करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अपना ये साइज को एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए एडजस्ट हो गया मेरा। अब इसको एक साथ चारों को मर्ज करके साथ में नीचे कैसे कॉपी करना है, तो मैं आपको अभी यहाँ पे सिंपल इजी शॉर्ट ट्रिक्स दिखा रही हूँ। अब आपको ये चारों फोटो को एक साथ नीचे पेस्ट कैसे करना है, तो आपको कंट्रोल ई प्रेस करना है 3 बार, 1-2-3, तो
तो ये देखिए मेरा मर्ज हो गया है, ये फोटो देखिए मेरा एक साथ मर्ज हो चुका है। अब आपको ऑल्ट प्रेस करना है, उसके बाद कंप्यूटर माउस का राइट क्लिक करके ड्रैग कर देना है नीचे। यहाँ पे देखिए ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे देखिए इसको मैं सिंगल ड्रैग कर लेती हूँ यहाँ पे नीचे। देखिए कितना इजी तरीके से मेरा पासपोर्ट साइज क्रिएट हो गया है गाइस, बहुत ही इजी है, मुझे बहुत मजा आता है ये पासपोर्ट बनाने में। कम यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए गाइस मैंने कैसे फोटो को किस तरह से यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है और बैकग्राउंड कैसे इजीली रिमूव कर दिया, बहुत ही इजी ट्रिक मैंने आपको ये इस वीडियो में बताया। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से आप लोगों को पास फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके बताया, वो भी एकदम इजी ट्रिक्स ने मैंने कैसे दिखाया, और उसका आप कपड़ा कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी फॉर्मल ड्रेस में, तो उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज कैसे क्रिएट करना है तो वो भी मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी ट्रिक्स दिखाया है गाइस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई समस्या है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।